जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है आपको? प्रार्थना, ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करे, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो, कंट्रोल। Bahamai, 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 Bahamai,
Praise the Lord, Hallelujah. आप सबका स्वागत है हमारे Teens and Youth Online Church में और ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पर भी है आप खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर अपने आंखों को बंद करके हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। बोले अन्य भाषाओं में री ब्रोसे के तेरली रड़मांग डाला री ब्रोसे के तेरली ब्रदा कुस्तों दे लिंत तीले एक रतीला प्रदोस्ता क्रदें दला प्रदिंग दोस्ते ले दलीला री ब्रास साता का री ब्रदा को जोंग दीला ब्रदाले री गोस थोरो रो ब्रदी कला आरे देंगे जी रीम बदेर ले गजीन दरला आंग देर ले गजीन देर ले ब्रद बोहो री बास साता का रा बाबा मांदे ली बोसे केंदर लिंग रदा आंक तेला रिम प्रतेले कसीतेले कतीला मगोस्तोंग तिंग तिंगला आतीला 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 ओ जेंग जिंग जिंग रा बांग दोर लबहा ओ रा बाबा सेग्र दीर लबहा। और धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आपकी दया आपके प्रेम आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा प्रार्थना बिंदु है जिसके लिए हम प्रार्थना करने वाले वह है, और उससे पहले हम वचन पढ़ने वाले हैं और वचन लिया गया है पहला तीमिथियस उसका दूसरा अध्याय चौथा वचन जो कहता है वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। प्रेज द लॉर्ड। और अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं सारे टीनेजर्स के लिए कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं, और हम प्रार्थना करेंगे कि वे यीशु मसीह को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे सारे टीनेजर्स के लिए और सारे यूथ के लिए, प्रेज द लॉर्ड, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाइए और प्रार्थना कीजिए, बोलिए अन्य भाषाओं में री बामा मासे के तीली ब्रांडा लबारी का बासे के दीली रड़ा री बाबा बास सोचो को री ब्रांग का तीला आंग दे रले बोसे री ब्रास साता का री ब्रांडा ला मांग दे रले बोसे इंग दी रलांग दाला हम री ब्रा बाबा बासे के दीली रलांग का जा रोंजेंग तीला आग दे रले का जीत दी रलांग दार ला प्रदीर ला रोंजेंग दी रलांग दार ले ही जी दली रला प्रदा ला बाउ सुन्दा री बामा का से ले ब्रासी काती लो रेगा बास सेंग दीर लाम डाले ही रोजेंग दीर लाग दार ने हेजी दीर लाग दोल वो रीम बास सेंग देली इंग्र लका से ली ब्राता का रीबो सेंग दीर लाग दा रिंगो सेंग दीर लाम ब्रदेंग दार ला आन सेंग दीर ले ही री बाबा बाबा सेंग दीर ली इंग्र लांग दार ला रेगा बाबा बास सोते के तीर लांग दार ला प्रिंग सिंग तीर लांग दो री ब्रामा मामा से के दिलीर ला कतेर ले बजीद ला आ राबा मामा सिंग तीर लिंग तीर लांग सांग तीर लाग दा री ब्रातुंद देर ले के जिंद तीर ला प्रदा ला भांग देर ले बोन जिंद ला हा ओव जाका बामा मांग दे ले के तीर ला प्रदा बोन दे ला तीर ला मांग दा ली ब्राबा मामा सोते के दिंग लाग दार लेंग जिंद तीर लांग दार ला हा राबा बाबा से के तीर लीग रा को जिंग तीर लीग तीर लीग सीध तीर लाप दा रों जेंग तीर लांग दा ला आंग तीर एंग सिंद तीर ला आ रों जेंग तीर ला आग देर ले के सीध तीर लाग दा ला बा री ब्रा मामा सो को दोर लो प्रदिंग तीर ला हां से री ब्रा मामा को जोंग तीर ही दली ला री ब्रा मामा मांग तीर लेंग जेंद तीर लांग दा ला बा सी रोजे गे रोजे गे रोजे गे री ब्रा मामा मांग सोन दलीर ला खा से ए लिब्रा सोंदे के दीर लांग दार लेक सिंद दीर लेक देर लेक सीत दीर लाग दा रीम्बा सोंदो रुपो सिंग देर ले ब्रल बहा ओं से एंग सिंग थी लहा री बाबा बासे के दीर ला ब्रदाग दीर लाग से दली रून सिंग तीर लाग दा लांग सिंग दीर लाग दा लबासी रून सेंगे रून सेंगे रून सेंगे रीम ब्रताली का तोले बासी का मांडो को सेंगे पतिंग का बागाती लो तो लो का पतील आकते ले ए रिंग जोन दीर लांग दार ला कसी दीर ला ब्रदा ओं जांगा बाती ले हेर ला री ब्रा देर ले बुसिंग दीर लांग दार ले ब्रलीर ला बांसा आ और री बा मामा अंदल बहा। प्रार्थना कीजिए सारे टीनेजर्स और यूथ्स के लिए ओम ब्रसिंग दिल लब्रबहा रिंबो से के दिली ब्रलमांग दार ले के सिंद दिल लबहा आकाश से हेल लबहा रिंद जे के सिंद लब्र लबों दल लबहा ओ रिंबो से के दिल लबहा रिब्रमों से के दिल लिब्रलमांग दल लबहा। आप परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना और घोषणा करते हैं परमेश्वर
कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओम जीर लीला दाली के जीर लीला री बाबा बा सोते के दिल लबान दलबा वे सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओम जीर लाभ दाली के दिल लहा री ब्रह्मा मामा से के दिली लड़ा का साधे ले प्रल बोंदलबा री ब्रह्मांडला प्रबोंदलबा। आप परमेश्वर वो प्रभु यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीरला बांग देर लेगे सीतरीला री बाबा बाबा कोसेंगे 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 री ब्रह्मा मांग कसीन तीरले कसीन तारला कसीरला ओ जिंगरा तीरला बदार लेक सिंद तीरला रे बा मा 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 कोसेला 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 लीरला कोसेंग लेरला मांग दारला बा ओ ब्रां सिंग दला बा ओ ब्रेगे मोन सिंग तीरलिंग तीरलांग सा रे ब्रा मा 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 से के दिल लीरला बदोर लेक सिंद लीरला मा मा से के दिल लीरला बा दिरले बा रे ब्रा बा 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 से के दिल लीरला बांदला बा। आप परमेश्वर वे बचाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीर लीर लाख दार ली बोसे री ब्रह्मांड ला प्रकाश से ए ओ प्रेके से इंदला भा। हाँ परमेश्वर वो बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जींदला भा आंग देर ले भा अंदली भा उनका उद्धार निश्चित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ साता कारी ब्राथा ला भा अंती रिंगा से के दिली ब्रा ला हा ओ राबा बा से के दिला भा ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद सारे टीनेजर्स के लिए और यूथ के लिए परमेश्वर धन्यवाद। हाँ परमेश्वर वो बचाए गए हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर वो उद्धार को ग्रहण करें परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर उन्हें चुनने के लिए उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर और उनके हृदय को खोलने के लिए परमेश्वर कि जैसे उन तक सुसमाचार पहुंचे परमेश्वर वे उसे ग्रहण कर सके परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद। हाँ परमेश्वर वे सच्चाई के ज्ञान में आ रहे परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद वे आपके प्रेम को जान पा रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर रीब्रो से इंदलबा धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद। हाँ परमेश्वर वो जान पा रहे कि प्रभु यीशु ही सच्चे प्रभु है परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। उनकी समझ की आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर शैतान ने जो पट्टी उनकी आंखों पे बांध रखी थी परमेश्वर उसे खोलने के लिए धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद कि जैसे उन तक सुसमाचार पहुंचे परमेश्वर वो जान सके परमेश्वर की ये सच्चाई है परमेश्वर और उसे ग्रहण कर सके परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद उन्हें चुनने के लिए परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं आमीन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आप सबका स्वागत है। ये समय है टीवो रैप्सडी का और आज दिनांक रविवार 19 तारीख और आज का वचन है गॉड्स लिविंग मैसेज You're the written letter of Christ to your world. To the Bible, 2 Corinthians chapter 30, chapter 3, verse 2 to 3 from NASB says, You are our letter written in the hearts, known and read by all men, being manifested that you are a letter of Christ, cared for by us, written not with ink but with the Spirit of the living God. Not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. Let's talk. As you study the Word of God, it's important you don't miss the points that the Spirit of God wants to you to grasp. An example of such powerful and important truth is what the Apostle Paul gives in today's scripture. You're the letter of Christ written by the Spirit of the God. What does this mean? It means you're God's message to the world. You're His word. Hallelujah! No wonder Jesus says you're the light of the world. God is using you to give a message to the world every day. That's why you're so peculiar. John wrote concerning Jesus, the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. John chapter 1 verse 14. When they saw Jesus in Bible days, they saw the Word walking, talking and living amongst them. No wonder they called Him Emmanuel, meaning God with us. Back then,
Anyone who wanted to know what God like would only have to look at Jesus. But today in the New Testament, anyone who wants to see God's word alive should look at you. You're the letter of the Christ today. So when you study the New Testament, you're looking at yourself. This is the truth, and you've got to accept it with the faith in your spirit. James chapter 1 verse 18 says, "Of his own will he brought us forth by the word of truth," meaning that you're born on the word of truth, God. If you're born of the word of God, then you're one with the word. Jesus is the word of God made flesh. You're the offspring of the word of God. So who are you? The word, his letter. Glory to God. Hallelujah. Go deeper. 2 Corinthians chapter 3 verse 18 and 1 Peter chapter 1 verse 23. Hallelujah. Praise the Lord. Lift up your hands and close your eyes and say after me, I am not an ordinary person. I am the epistle of Christ. When people look at me, they see the manifestation of the word of God. I'm a message from God, read of all people, and because of me, many are coming to the knowledge of Christ. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. 1 year Bible reading, James chapter 2 and 3 and verse 1 to 13. Ezekiel chapter 20 to 21. 2 year Bible reading, 1 John chapter 4 verse 14 to 21. Daniel chapter 3 and 4. Hallelujah. Act. Share the good news of Jesus Christ with your friends and those around you today. Hallelujah. Praise the Lord. Bye bye friends. God bless you. Shut up, man.
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। स्वागत है आप सबका आज के 300 यूथ चर्च में। जहां कहीं पे है अपने पड़ोसी का स्वागत कर सकते हैं, कहीं आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम। और मुझे विश्वास है कि आपकी आत्मा तैयार है वचन को ग्रहण करने के लिए, सुनने के लिए। और जब आप प्रार्थना करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं चर्च में, ध्यान दीजिए कि आप परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं, उस महामयी परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं जिसने आपको बनाया है। हालेलुया। और ये वो समय होता है, ये वो स्थान होता है जहाँ पर परमेश्वर आपके साथ बातचीत करता है। तो इन समयों को बेकार मत समझिए, ये समय आपके लिए तैयार किए गए ताकि आप परमेश्वर के इन वचनों को ग्रहण कर सकें, ताकि आप विश्वास के द्वारा उसे बोल सकें। प्रेज द लॉर्ड। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद परमेश्वर आपकी करुणा कृपा प्रेम के लिए, आपके अपरंपार दया के लिए। परमेश्वर धन्यवाद। हम कहते हैं हमारे मस्तिष्क और आत्मा खुले आपसे सुनने के लिए, समझ लें। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि आप आज के टाइटल को देख के बहुत खुश हो जाएंगे, उत्साहित हो जाएंगे, क्योंकि आज का टाइटल है लिव इन हिज विक्ट्री, उसके विजय में जिए। हालेलुया। आपको इसे समझना पड़ेगा कि कैसे उसके विजय में जीना है, कौन सी विजय है जो परमेश्वर ने हमें दी। चलिए वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और 57वां वचन जो कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमारा परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है। हालेलुया। यू नो, आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा, विशेष रूप से आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग है, हो सकता है आपके दोस्त है, और बहुत सारे फिलोसोफर जो आपको कहेंगे, वो जीवन उतार चढ़ाव का काम है, नाम है, जीवन उतार चढ़ाव का नाम है। जीवन में कभी खुशी है तो कभी गम है, कभी दुख है तो कभी सुख है, और ये जीवन की वास्तविकता है। यहाँ तक कि मसीह भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा उनके पापों को माफ करने के लिए, इसके उपरांत वो और कुछ नहीं चाहते। हालेलुया। और ये बहुत दुख की बात है कि वो मान लेते हैं कि हर प्रकार की पीड़ा, दुख, बीमारी, संघर्ष, यहाँ तक कि मृत्यु जीवन की वास्तविकता है। लेकिन जब आप वचनों को पढ़ेंगे तो ये कितना भी सच आपको क्यों ना लगे, कितना भी वास्तविक क्यों ना लगे, ये वचन के साथ मेल नहीं खाता, क्योंकि वचन ऐसा हमें नहीं कहता, कि वचन ये नहीं कहता कि मसीहों के लिए ये उनके जीवन की वास्तविकता है, ये ऐसा नहीं है। हालेलुया। ये वचन के एक ये मसीह यीशु में नई सृष्टि की वास्तविकता के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। हालेलुया। आपको वचनों को पढ़ने की जरूरत है जो आपको बताएगा कि आप कौन है। हालेलुया। एक परमेश्वर की संतान की तरह आप एंडलेस विक्ट्री में बुलाए गए हैं। हालेलुया। ऐसा विजय जो कभी खत्म नहीं होगा, आप ऐसे एंडलेस विजय में बुलाए गए। प्रेज द लॉर्ड। और चलिए वचन पढ़ते हैं, पहला योहन्ना उसका 5वां अध्याय और 4था और 5वां वचन क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। यानी वो साफ साफ कह रहा है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, यानी कि जिसने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और जो वचन से उत्पन्न हुआ है, वो परमेश्वर की संतान है और उसने इस संसार के ऊपर जय प्राप्त की है। और जिससे ये विजय प्राप्त होती है वो क्या है, हमारा विश्वास। यानी कि आपको किन कुछ चीजों के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा जब आपको अपने जीवन में विजयी जीवन में चलना है, क्योंकि ये विजयी जीवन है जो परमेश्वर आपके लिए लेकर आया है। और ये विजयी जीवन कहाँ से है, 5वां वचन, संसार पर जय पाने वाला कौन है, केवल वह जिसका विश्वास यह है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो आपको विश्वास क्या करना है कि यीशु क्या है, परमेश्वर का पुत्र, यीशु परमेश्वर का पुत्र। जो ये विश्वास करता है केवल वही इस संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि मसीहों के लिए बहुत सरल है, मसीहों के लिए विजय में चलना बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि केवल विश्वास करना है कि प्रभु यीशु क्या है, परमेश्वर का पुत्र, और जो ये विश्वास करता है वो इस विजय में चलता है। हालेलुया। हालेलुया। सो आज आप विश्वास करिए, इसे मानिए कि प्रभु यीशु ने आपको एक मसीह की तरह सारी पीड़ाओं से मुक्त किया है। बोलिए, प्रभु यीशु ने मुझे सारी पीड़ाओं से मुक्त किया है। यानी कि बीमारी, हार, निराशा, ये सब कुछ आपके जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि आप
आपको प्रभु यीशु के द्वारा छुड़ा दिया गया है। और छुड़ा कर कहां लाया गया था? आपको उसके प्रिय पुत्र के राज्य में लाया गया है। और वो राज्य में क्या है? एब्सोल्यूट विक्ट्री, हालेलुया, विजय विजय और विजय, सफलता, स्वास्थ्य और बहुतायतता, समृद्धि, ये सब परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में, जिसको जिसमें आपको बुलाया गया है। यानी कि जब आपने कहा था प्रभु यीशु मेरे जीवन का प्रभु है, परमेश्वर आपको उन पीड़ाओं से मुक्त करके सफलता और विजय के जीवन में लेकर आया था। हालेलुया दोस्तों, ये वास्तविकता है जिस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। आपको इसकी घोषणा करनी पड़ेगी, आज ही आपको घोषणा करनी पड़ेगी। क्यों? हालेलुया, क्योंकि जो कुछ भी आपको ये विजयी जीवन और सफल जीवन जीने के लिए चाहिए, वो सब कुछ परमेश्वर ने आपके अंदर पहले से ही डिपॉजिट कर दिया है। हालेलुया, यानी कि आपको इस विजयी जीवन में जो चाहिए, सफल जीवन जीने के लिए जो चाहिए, आपको उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको संसार में नहीं जाना है, आपको अपने टीचर से नहीं पूछना है, आपको अपने दोस्तों से नहीं पूछना है, आपको अपने माँ बाप से नहीं पूछना है, क्योंकि परमेश्वर ने ये सारी चीजें आपकी आत्मा में डिपॉजिट कर दी है। यानी कहां से निकलने वाली सफलता, कहां से निकलने वाला ये विजय? आपके अंदर से। हालेलुया, आपको एक एब्सोल्यूट सक्सेस और विजय के जीवन में बुलाया गया है। हालेलुया, और ये जीवन परमेश्वर ने आपको प्रभु यीशु में दी है। चलिए पढ़ते हैं इब्रानियों का पुस्तक, और हम पढ़ते हैं उसका 4वां अध्याय, नए नियम में इब्रानियों उसका 4वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसका 3रा वचन, जो कहता है, और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उनके काम पूरे हो चुके थे। हालेलुया, परमेश्वर यहाँ पर कितनी बड़ी बात कह रहा है, अगर आप ध्यान से सुने, वो कह रहा है कि जब आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था अपने जीवन में, आप एक विश्राम के जीवन में बुलाए गए थे। विश्राम का वो जीवन जहाँ पे संघर्ष समाप्त हो जाता है। हालेलुया, विश्राम का वो जीवन जहाँ पे पीड़ाएं समाप्त हो जाती है, उसका आपके जीवन में कोई हिस्सा नहीं है। हालेलुया, आप ऐसे विश्राम के जीवन में बुलाए गए हैं। हालेलुया, आपको अब संघर्ष और पीड़ाओं में जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये कह रहा है कि एक मसीह की तरह, ये वचन क्या कहता है, मसीह की तरह जब आप इस विश्राम के जीवन में बुलाए गए थे, ये कोई भविष्य की बात नहीं है। हालेलुया, ये ऐसा नहीं है जो भविष्य में होने वाला है, ये वो बात है जो आपके लिए हो चुकी थी, और वचन कहता है पृथ्वी के आरंभ से पहले ये हो चुका था। हालेलुया, यानी कि आप पैदा भी हुए थे, पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले परमेश्वर ने आपका विजय और सफलता का रास्ता तैयार कर दिया गया था। हालेलुया, जिस दिन आपने कह दिया कि आज से प्रभु यीशु मेरा स्वामी है, मेरा प्रभु है, उस दिन से परमेश्वर ने आपको आपके उस रास्ते से हटाकर एब्सोल्यूट विजय और सफलता के रास्ते में स्थापित कर दिया था। हालेलुया, क्योंकि आपका निर्माण इसी रास्ते पे चलने के लिए हुआ है। एक हर मसीह का निर्माण, हर मसीह पैदा हुआ है हमेशा विजय के जीवन में चलने के लिए, हमेशा सफलता के जीवन में जीने के। हालेलुया, तो मत विश्वास कर लीजिए ऐसे लोगों का जो आपको कहेंगे, ओ जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब हम उस विजय का आनंद लेंगे, जब हम स्वर्ग जाएंगे तब हम सुख का आनंद लेंगे। वो गाने भी ऐसे बनाते हैं, ओ दुख के दिन बीत जाएंगे और जब हम स्वर्ग जाएंगे तब सुख के दिन आएंगे। हालेलुया, अगर आप इस पृथ्वी पे हैं और आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आप प्रभु यीशु के नाम में राज करते हैं। हालेलुया, एक्चुअली प्रभु यीशु हमारे द्वारा राज करता है, और उसने हमें अपने नाम का अधिकार और सामर्थ्य दे दी है ताकि हम अपने विश्व पे आज राज कर सके। हालेलुया, जब आप अपने विश्व पे राज करते हैं तो उस विश्व के साथ जुड़ी हुई हर चीज के ऊपर राज करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आप बीमारी के ऊपर राज करते हैं, आप परेशानियों के ऊपर राज करते हैं, आप पीड़ाओं के ऊपर राज करते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ आप मृत्यु के ऊपर भी राज करते हैं। यानी अगर आप चाहें तो आप कभी नहीं मर सकते। हालेलुया, ये सच है, क्योंकि मृत्यु को हराया जा चुका है। यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा के वापस जी उठा, और हमने वही जीवन पाया है, पुनरुत्थानी जीवन जो मृत्यु को हरा के जी उठा है। यानी कि अगर मृत्यु आपके दरवाजे पे दस्तक दे, उसे कहिए ये आपका रास्ता नहीं, ये तेरा रास्ता नहीं है मृत्यु, ये तेरा रास्ता, ये जगह, ये डेस्टिनेशन तेरा नहीं है। हालेलुया, मैं
अविनाशी बीज से जन्मा हूं और मैं विजय के रास्ते पे स्थापित कर दिया गया हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि आप अपने जीवन में हर रोज इस विजय का अनुभव कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बस केवल आपको अपना अटेंशन, अपना ध्यान परमेश्वर के वचनों को देना है। जब आप अपना ध्यान परमेश्वर के वचनों को देंगे, परमेश्वर का वचन आपको वो सब कुछ करवाएगा जो परमेश्वर का वचन आपको कहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू से यही कहा कि नियम की पुस्तक तेरे मुंह से निकलने ना पाए। हालेलुया। ताकि जो कुछ भी उसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने की चौकसी कर। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं आप क्या करते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं आप क्या करते हैं, आप उसके अनुसार करने की चौकसी करते हैं ताकि जो कुछ भी उसमें लिखा है उसके अनुसार आप बन जाए। हालेलुया। और उस वचन क्या कहता है, आप सफलता है। वचन क्या कहता है, आप विजयी है। अभी हमने वचन से पढ़ा, जिसने विश्वास किया है वो भी उसने संसार पे जय प्राप्त की है। इस विश्व की हर परेशानी के ऊपर उसने जय प्राप्त की है। हालेलुया। चलिए एक और वचन पढ़ लेते हैं, दूसरा पत्रस पहला अध्याय और चौथा वचन। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के भागी हो जाओ, संभागी हो जाओ। हालेलुया। वो कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें वो प्रतिज्ञाएं दी है, बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं, ताकि हम इस विश्व से जो सड़ाहट आती है। हालेलुया। किसी और दिन हम इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन आज हमारा फोकस होने के था कि इस विश्व की सड़ाहट से, संसार की सड़ाहट से तुम छूट जाओ जो बुरी अभिलाषाओं से आती है। हालेलुया। बुरी अभिलाषाओं से, ये बुरी अभिलाषाएं आपको अपने विजय और सफलता के रास्ते से दूर कर सकती है। हालेलुया। और आपको शैतान के रास्ते में लेके जा सकती है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ हम पर ताकि हम इस सड़ार से जो बुरी अभिलाषाओं से आती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाए। यानी कि हम, हमारा स्वभाव अब परमेश्वर के समान हो जाए। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर के समान सोचने के लिए बनाए गए हैं, मैं और आप परमेश्वर के समान काम करने के लिए बनाए गए हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव काम कर रहा है, उसकी योग्यता काम कर रही है। हालेलुया। अगर आप इस सच्चाई को आज ग्रहण कर लेंगे अपने अंदर, आप कभी भी असफलता के रास्ते में नहीं पाए जाएंगे। हालेलुया। अपना मन बनाइए कि आज ये वचन जो आप सुन रहे हैं, ना केवल आप इसे सुन रहे हैं एक अच्छे वचन की तरह, आप इसे परमेश्वर के निर्देश की तरह ले रहे हैं और आप आज से कहेंगे कि आज से मैं परमेश्वर के रास्ते में चलूंगा। हालेलुया। मैं कोई बुरी अभिलाषाओं में, बुरी इच्छाओं में जो संसार से आती है उसमें नहीं फंसूंगा। हालेलुया। ये बुरी अभिलाषा है, हो सकता है आपके दोस्तों से आ सकती हो, जो मैगजीन आप पढ़ रहे हैं, जो किताबें आप पढ़ रहे हैं, जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, जो वीडियोज आप देख रहे हैं अपने मोबाइल पे, अपने टीवी पे, ये सारी अभिलाषाएं वहां से पैदा होती हैं। आपको अपने आप से वहां से बचाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप को उन चीजों को देते हैं, वो आपके अंदर सड़ाहट को पैदा करती है और ये सड़ाहट आपको अपने विजय के रास्ते से, विजय के जीवन से हटा देगा। हालेलुया। सड़ाहट इतनी पैदा कर देगा इस जीवन में कुछ नहीं बचेगा, वो उस जीवन को बर्बाद कर देगा। तो आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा, और उससे बाहर निकलने का तरीका है कि आप अपना फोकस परमेश्वर के वचन पे लगाएं। और जब आप परमेश्वर के वचन पे लगाएंगे, परमेश्वर का वचन आपको अपने स्वरूप में बदलता जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना स्वभाव दे दिया है, हम उसकी तरह काम कर सकते हैं, उसकी सत्यनिष्ठा हमारे अंदर काम करती है, उसका काम करने का तरीका, उसकी योग्यताएं हमारे अंदर काम करती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको कह रहा हूं, जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है वो उस व्यक्ति की तरफ नहीं देखता जिसे हेल्प की जरूरत है, जिसे छुटकारे की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है, एक मसीह की ओर जो नया जन्मा है, पुनरुत्थानी जीवन को जिसने ग्रहण किया है, वो मसीह, जब परमेश्वर उसकी ओर देखता है, परमेश्वर देखता है वो व्यक्ति जिसने संसार पे जय पाई। हालेलुया। वो व्यक्ति जिसके द्वारा परमेश्वर राज करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप इस विश्व पे राज करने के लिए तैयार किए गए। हालेलुया। और यही वो जीवन है जो प्रभु यीशु हमारे लिए लेकर आए। तो अगर आपने आज ये जीवन ग्रहण नहीं किया है और आपके पास ये जीवन नहीं है जो विजय से भरा हुआ है, सफलता से भरा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा ये जीवन हमारे लिए लेकर आया और ये जीवन उपलब्ध है हर एक व्यक्ति के लिए जो कहेगा कि मैं यीशु में विश्वास करता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही असाधारण जीवन को जीना चाहते हैं, हर दिन पीड़ाओं से मुक्त, परेशानियों से मुक्त, समाधान से भरा जीवन,
तो आज इस प्रार्थना को मेरे साथ करिए, कहिए, मेरे पीछे बोलिएगा, इसे अपने पूरे मन में विश्वास करके मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोलिएगा, कहिए, धन्यवाद परमेश्वर मुझसे प्रेम करने के लिए, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मुझे बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान दी और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया, और मैं विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाता हूँ मेरा प्रभु और स्वामी बनने के लिए। मैं आज से बच गया हूँ, मैं आज से नई सृष्टि हूँ, मैं आज से परमेश्वर की संतान हूँ, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका स्वागत है परमेश्वर के इस जीवन में, और नीचे दिए नंबर पे हमें संपर्क करें और अधिक जानने के लिए। ये जीवन बहुत उत्साहित है, और एक जवान टीनेजर की तरह, एक यूथ की तरह आप परमेश्वर के राज्य में बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें बताइए, आप परमेश्वर के राज्य में अगर कुछ करना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के राज्य में एक प्रभाव को पैदा कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज ही हमें संपर्क करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद परमेश्वर, जितने जिन्होंने भी अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। हाँ परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को उनके जीवन पे बोलता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम। वो शैतान के हर फंदे से मुक्त है प्रभु यीशु मसीह के नाम। हाँ परमेश्वर, मैं उन्हें आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि समझ के द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। मुझे विश्वास है कि जो वचन आपने सुना है उसने आपको आशीषित किया है, और आपने मन बनाया है कि आज से आप एक असाधारण एंडलेस विक्ट्री के जीवन में जिएंगे, विजय के जीवन में जिएंगे। और इस संदेश को अपने तक सीमित मत रखिए, जाइए अपने दोस्तों को बताइए, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं किसी भी माध्यम के द्वारा, इसकी लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें बताएं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु में उन्हें एक विजय जीवन में बुलाया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है अपनी भेंट, अपने रिस्पांस, अपनी पार्टनरशिप देने का, और डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप अपने घर से देख रहे हैं, फोन पे द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं, आप चर्च में हैं, अपने चर्च में अपनी भेंट दे सकते हैं। ये समय है अपनी भेंट देने का। हम प्रार्थना करेंगे भेंट के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह और अवसर देने के लिए। हाँ परमेश्वर, ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र है। हाँ परमेश्वर, हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं इन भेंटों के ऊपर परमेश्वर, और परमेश्वर बढ़ोतरी का सिद्धांत हम इन भेंटों के ऊपर लगाते हैं, और बढ़ी हुई फसल को हम ग्रहण कर रहे परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, जैसे हम बढ़ी हुई फसल को ग्रहण करेंगे परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, हमारे पास बुद्धि होगी इस फसल को आपके राज्य में वापस लगाने की। हाँ परमेश्वर, हम लगातार अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ते जा रहे, देने का अनुग्रह हर टीनेजर, हर यूथ के ऊपर बढ़ता जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, हर टीन और यूथ के पास चमत्कारिक पैसा आ रहा है परमेश्वर, आपके राज्य में लगाने के लिए प्रभु यीशु के नाम। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। और आखिरी प्रार्थना हम साथ में करेंगे, परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती है, और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।